का अवसर मिला। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, और जो पहला सत्र है इसमें विषय रखे हुए हैं हमारे बामसेब की जो कार्य प्रणाली है उसके अनुसार हमें वो बात करने का जिम्मेदारी भी है। आज के कार्यक्रम के उद्घाटक मान्यवर सुरेंद्र कुमार वैश्य साहब रिटायर एसएसपी जालंधर, मुख्य मेहमान मान्यवर जी के सबरवाल साहब पूर्व जज साहब, जिनकी आपने बहुत बड़ी सारगर्भित बातें सुनी, और मान्यवर विशेष मेहमान डॉक्टर रामलोभाया जी रिटायर अतिरिक्त डीजीपी जम्मू कश्मीर, सरदार दर्शन सिंह जी पूर्व जज उपभोक्ता फोरम जालंधर, सम्मानित अन्य मेहमान साथियों। में पहला सत्र जो हमारे समय सीमा के अनुसार तो हमें समाप्त कर लेना तो ये था, लेकिन क्योंकि मूल निवासी बहुजन समाज की आज़ादी के हम सिपाही है और हमको कई सालों से उन्होंने गुलाम बनाया हुआ है, तो हमारे कुछ कार्यक्रमों को हमको करते वक्त कुछ समय सीमा को बर्दाश्त भी करना पड़ता है, और हजारों सालों की गुलामी है तो थोड़ी सी पेट की जो भूख है उसको बर्दाश्त करते करते कुछ दिमाग की भूख है उसको थोड़ा लगा कर रखना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग की खुराक से ही सारी बाकी खुराकें चलती हैं। आज की जो विषय है मैं बिल्कुल संक्षेप में बताऊंगा, क्योंकि हमारा अध्यक्षीय उद्बोधन होता है उसमें विषयों पर बोलने पर आदमी को 1 से 1.5 घंटा चाहिए। मैं 15 से 20 मिनट में आप लोगों को साथ में उम्मीद करता हूँ कि खाना ठंडा नहीं होगा और जोश भी ठंडा नहीं होगा आपका, क्योंकि दोनों आपका है, मेरा इसमें खाली कहना है। खाना आपने बना रखा है तो ठंडा नहीं होना चाहिए, जोश भी आपने बना रखा है वो भी ठंडा नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणों ने ठंडा करने की कोशिश की है, मगर वो ब्राह्मणों को ठंडा करने के लिए अभी ज्यादा, अब वो माधव जी कर रहे हैं मगर वो ज्यादा हमारे पास में राष्ट्रीय नेतृत्व है, और जो मैसराम साहब जिस तरीके से समाज को जगाने का जो बेहतरीन नेतृत्व कर रहे हैं, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि उनके बताए हुए तौर तरीकों को अपनाएं, उनके निर्देशों को सुने समझें और लागू करें। वो हमारे लिए, बाबा साहब को हमने नहीं देखा मगर मैसराम साहब आपके साथ में है, तो आप लोगों को बाबा साहब की अगर कमी खलती है, काशीराम जी की कमी खलती है, यहाँ के महान हमारे पुरखों की कमी खलती है, तो ये अभी अब वर्तमान जीवन में इनके साथ में आंदोलन में चल करके देखो ब्राह्मण कितने कितने अपनी बातें पलट रहा है, उनका नेतृत्व तो कितनी बातें पलट रहा है, वो सारा कंपेरिजन करके भी आपको छोटे छोटे वीडियो क्लिप हम दे रहे हैं। साथियों आज का जो विषय 3 है इनमें मैं संक्षेप में इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये हमारे विषय पे हमें बातें करनी है, ये विषयों पे ही हमको जाना है, तभी ब्राह्मणवाद के ऊपर आप बात कर पाओगे, नहीं तो ब्राह्मणों की इतने षड्यंत्र है कि वो 4-4, 5-5 राष्ट्रीय पार्टियां बना देगा, हजारों संगठन बना देगा, जैसा आदमी होगा उसको उसमें फिट करने के लिए तैयार करके भेज देगा, पता ही नहीं पड़ेगा, ये हमारे लोगों को पता ही नहीं है। वो अपने लोगों को एहसास भी होने नहीं देता है। एक ऐसा जीव होता है हमारे यहाँ उसको जुआ कहते हैं, वो काटता है तो पता ही नहीं पड़ता, काटने के बाद चला जाता तब खुजली आती है, इधर होगा उसका नाम अलग अलग होगा, अलग अलग भौगोलिक दृष्टि से अलग नाम है, वो उसको कहते हैं मीठा, स्वीट पॉइजन। तो यहाँ जो विषय बने हुए वो जो उसका असर है उसके पीछे उनका नेटवर्क है, उनकी कार्य प्रणाली है। पहला विषय रखा पंजाब राज्य के उच्च वर्ग के लोगों द्वारा, देखो विषय के शब्दों को आप पकड़ो, शब्द है ना दुनिया में शक्ति के निर्माण करने के स्रोत है, शब्दों से अर्थ बढ़ते हैं, शब्दों के अर्थों से किसी का अनर्थ हो सकता है अगर ध्यान नहीं लगाया तो, कुंती के ऊपर से एक बिंदी हटा दो तो ब्राह्मणों का वो जो अर्थ है वो बदल जाएगा, एक ही तो बिंदी हटानी पड़ती है, कुंती के ऊपर से एक बिंदी हटाओ फिर आप पढ़ो, हैं? नियति है, नियति का ऊपर वाला जो है ना मात्रा थोड़ी टेढ़ी कर दो तो क्या हो जाएगा, नियति का निर्यात हो जाएगा। तो यहां पर भी शब्द है पंजाब राज्य के उच्च वर्ग के लोगों द्वारा, एक एक शब्द को बताना जा मैं पढ़ रहा हूं, लिखा आपने
पंजाब राज्य के उच्च वर्ग के लोगों द्वारा जाति अभिमानी नौकरशाही की मिली भगत के साथ, ये बामसेब है ना, संस्कृत समझ में आ जाएगी, बामसेब को समझने में बहुत ज्यादा कैडर लेने पड़ेंगे, संस्कृत समझना सरल है क्योंकि बाबा साहब ने सारी पढ़ करके संस्कृत, फिर इनके सारे शास्त्रों का अध्ययन करके फिर अंग्रेजी में लिखा, उनको पता है कि दुनिया के लोगों को पता पड़ना चाहिए। तो ये जो पंजाब राज्य के उच्च वर्ग के लोगों द्वारा, उच्च वर्ग के लोग वो है जो मूल निवासी बहुजन समाज के नहीं है, उनके साथ में मिली भक्ति कर रहे हैं, उच्च वर्ग के लोगों द्वारा जाति स्वाभिमानी नौकरशाही की मिली भगत से, जो जाति का स्वाभिमान करने वाले लोग हैं, जो अपने आप को कहते हैं हम उस नस्ल के हैं, उनकी मिली भगत के साथ अनुसूचित जाति के सर्टिफिकेट बनाकर नौकरियां प्राप्त की और हजारों अनुसूचित जाति के लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया। एक गंभीर चर्चा, नहीं तो हमारे लोग आपस में ही लड़ने लग जाएंगे। हमारे लोगों को तो अभी अवसर मिला है थोड़ा बहुत, वो भी अब्बा साहब की मेहरबानी सर, संविधान के बाद, नहीं तो जो यहाँ अभी कुछ समय के से जो शासन का उनको जिम्मेदारी मिली है वो भी हमारे जैसी, हमारे भाई है, मूल निवासी और गुलाम है, उनको ही बनाए रखा है, इनकी धार्मिक सिस्टम में उनको भी वर्ण व्यवस्था में कहां फिट किया हुआ है ये भी ध्यान रखना। तो हमारे लोगों के जो अधिकारों का जो हनन हो रहा है वो एक सिस्टम करवा रहा है, उस सिस्टम की लोग नकल करते करते कुछ हमारे लोग भी उसमें फंस जाते हैं। जैसे मैं राजस्थान का एक उदाहरण देना चाहता हूं क्योंकि राजस्थान का हूं, राजस्थान के आरपीएससी में जो घोटाला हुआ, पेपर घोटाला आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, तो आरपीएससी का एक मेंबर है जो हमारा एसटी का आदमी कटारा, आरपीएससी के उस मेंबर के घर जाकर उसको पकड़ा, सब उसके बाद आरोप लगाया कि इसने 3 करोड़ में पेपर बेचा। अब आप अंदाजा लगाते हो आरपीएससी का जो मेंबर बनते हैं, कई सालों से बन रहे हैं, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जैसे आपकी यहां पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन होगी, अब उसको मोहरा बना करके वो समाज भी बदनाम हो रहा है, आदमी भी फंस रहा है और घोटाले पता नहीं कितने इन्होंने किया, आज तक करते रहे किसी को पता ही नहीं पड़ा, तो हमारा अनट्रेंड आदमी उसमें घुसा कभी फंसा ना। इसकी व्यवस्था में हमारे को हजारों सालों से गुलाम बनाया, हमारे लोगों को उन्होंने सिस्टम ऐसा बना करके, देखो सॉफ्टवेयर है ना, बहुत सारे इंजीनियर लोग होंगे, सॉफ्टवेयर बना करके किसी को दे दो तो आदमी मोबाइल लेके दौड़े चाहे कंप्यूटर लेके दौड़े, वो तो खोलेगा तो उसका सॉफ्टवेयर ही काम करेगा, उसको चाहे राजस्थान में ले जाओ चाहे पंजाब में रखो, तो उनका सॉफ्टवेयर समाज के अंदर जो असर कर रहा है आप उस पर चोट करनी पड़ेगी, वो कमजोर नहीं हो रहा है, उसको कमजोर करने के लिए क्या होता है, रणनीति और दांव पे की जरूरत है। इस देश के अंदर ब्राह्मण शासन करता नहीं है, शासक वर्ग है। हमारे लोग भूल जाते हैं, एक पार्टी को घुसा करके दूसरी की तरफ चले जाते हैं, दूसरी से घुसा करके तीसरी की तरफ चले जाते हैं, एक झोपड़े में आदमी गुस्से में निकले और चारों तरफ घूमता रहे, दरवाजा आवे तो वो क्या करे, घूमते 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 खुजली आ जाती है, हाथ ऊपर करते फिर दरवाजा हट जाता, फिर दीवार में घूमता रहता। हमारा समाज इस तरह काम कर रहा है, क्या कर रहा है, जो दरवाजा जब ढूंढने के लिए पुरखों ने, हमारे पुरखों ने आंदोलन चलाया और दरवाजा बताया, तो दरवाजा आता है तो हमारे लोगों की क्या खुजली आ जाती है, वो हाथ लगाते 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 दीवार के तक लगाते फिर दरवाजा आता, फिर खुजली आ जाती, फिर घूमता रहता। ब्राह्मणिकल सिस्टम है वही इस देश में मूल निवासी बहुजन समाज को गुलाम बना रहा है, वो हमारे लोगों को आपस में भी लड़वा रहा है, हमारे लोगों को कह रहे हैं ना आपस में बेटी और रोटी का व्यवहार नहीं करो, इसी मंच से भी बात हुई। आप बताओ बाबा साहब ने क्या कहा था, ओबीसी के लोगों के साथ में अगर आपको भाईचारा निर्माण करना है उससे रोटी बेटी की बात मत करना, कारण है ये ब्राह्मण जानबूझ के हमारे लोगों को कहते हैं, ऐसी बातों से आपके अंदर जो भाईचारा निर्माण होने की प्रक्रिया है वो धीरे 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 क्या है, शिथिल बढ़ जाती है और अंदर ही अंदर आपस में हमारा संघर्ष हो जाता है। हम लोग इस देश के अंदर मूल निवासी बहुजन समाज अगर उस बीमारी की जड़ को नहीं पकड़ेंगे, मान लो आप जड़ को नहीं पकड़ोगे तो पत्ते काटते रहो, छांगते रहो पेड़ को छांगने वाले देखो किसान लोग हैं, खेत में पेड़ होता है, कुल्हाड़ से एक डाली काटो, चार पत्ते नहीं दो, फिर पेड़ तो वापस बनेगा ही बनेगा हरा भरा, क्यों, आप नीचे पानी डाल लो, खाद डाल लो,
उसकी प्रक्रियाओं को आप अपना रहे हो, उसकी कल्चरल सिस्टम को आप डेवलप कर रहे हो, उसके द्वारा बनाए गए नए नए कार्यक्रमों को आप इवेंट्स को कर रहे हो, जाने अनजाने में कर रहे हो, उसके द्वारा बनाए गए डुप्लीकेट संगठनों को, डुप्लीकेट लीडरों को आप समर्थन देने के लिए रातों रात संगठन में खड़ा कर दिया गया। गुजरात में हमारे एक व्यक्ति को खड़ा किया रातों रात, ओबीसी के लोगों ने वहां पर ऊना में जब हमारे लोगों के साथ में झगड़े किए, मारपीट की, तो वहां एक आदमी विरोध कर, विरोध तो करता है ना जब घटनाएं होती है, विरोध किया, तो उस आदमी को हमारे लोगों ने कहा कि ये तुम्हारा अच्छा नेता, तो रातों रात उसको खड़ा किया। और कैसे खड़ा किया, राजस्थान के हमारे नजदीक के लोग थे ना, उनका गुजरात में रिश्तेदारी, उनको प्रचार करने के लिए भेजा, और प्रचार करने के तो जिग्नेश मेवाणी है, उसको निर्दलीय खड़ा किया। मैं थोड़ी जानकारी के लिए नाम लेके कहना पड़ता है, हमारी एक खासियत है, हम हमारे लोगों को अगर बातें स्पष्ट नहीं बताएंगे तो इस देश के अंदर ब्राह्मणवाद के बारे में बामसेब के अलावा कोई ज्यादा सलाह करके नहीं बता सकता, चाहे हिंदी का टीचर हो चाहे अंग्रेजी का, और बताना हमारी ड्यूटी है। अगर हम यहां आए हैं संगठन की हैसियत से अगर बात समाज को नहीं पहुंचाओगे तो समाज में संगठित होने की हैसियत बढ़ेगी नहीं। वो जिग्नेश मेवाणी जी जीत गए निर्दलीय, कांग्रेस ने सामने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस वाले जानते थे जीतने के बाद में एक जाएगा कहां, और बाद में धीरे 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 उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, ठीक नहीं की, आप लोगों को जानकारी है। तो ऐसे ऐसे कई प्रकार के लोग खड़े कर देते हैं रातों रात, ब्राह्मणों के हेलीकॉप्टर में जाता है और कहता है मैं सीएम के सामने फॉर्म भरूंगा। आपने यूपी की ये थोड़ी सी बातें समझ में आ जाए हमारे लोगों को, हमारी समस्या क्या है, संख्या बल की कमी नहीं है, समझ बल की कमी है। संख्या बल तो बहुत है, उल्टी समस्या ज्यादा संख्या है, इसलिए हम इधर सोते उधर से कोई चार पांच उठा के लेके चला जाता है। जैसे मान लीजिए किसी के किसान के पास में ज्यादा माल मवेशी है तो एक बाड़े में रखता तो दूसरे बाड़े में जाकर के जानवर उठा के लेके चला जाता है। तो हमारे लोगों की संख्या बल की कमी नहीं है, समझ बल पैदा करना पड़ेगा, वो भी समझ बल के अंदर इंप्लीमेंटेशन अथॉरिटी भी नहीं है, एडवाइज लोग चाहिए। अगर यहां ये घोटाले हुए, हजारों लोगों को सर्टिफिकेट दिए, पहली बार बताओ हमारा साधारण आदमी सही सर्टिफिकेट बनाने जाता ना तो भी भटकता रहता है, मैं ये दावा करता हूं। मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम हूं, जो मैं बात कर रहा हूं, हमारा आदमी अगर बकरी का लोन ले लेकिन बैंक में जाता है, साधारण आदमी जिसको कोई गाइड मत करो, तो दो बकरी बेचे इतना खर्चा होता तब तक लोन नहीं मिलता उसको, इतने उसको पता नहीं, क्योंकि इतनी भटकता रहता है, क्योंकि उसको लोन के तरीके पता नहीं, रूल्स का पता नहीं, जिससे मार्गदर्शन मांगने जाता वो पता नहीं। वो साधारण समाज के लोग घोटाले कर नहीं सकते, मैं ये कहना चाहता हूं। घोटाले करवाने वाली मशीनरी कहां से डेवलप हुई, उन्हीं के लोगों से डेवलप हुई ना, उन्होंने तो घोटाले किए, उन्होंने कहां से घोटाले किए, सबसे पहले उन्होंने समाज व्यवस्था में घोटाला किया, उन्होंने यहां आकर के हमारे लोगों को, शांतिप्रिय लोगों को हराया, अटैक किया। अभी हिस्ट्री की बात चली थी, हमारे यहाँ साथी बहुत हिस्ट्री से बात कर रहे थे, सिंधु घाटी सभ्यता से बात कर रहे थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात और अगर इनकी सभ्यता की बात करो तो उसमें डायरेक्ट अंतर बताया हुआ, मामूली अंतर सीधा समझ में आ जाए, क्या बताया, ये लोग लड़ाकू थे, हमारे लोग शांतिप्रिय थे, ये उसमें है अंतर। ये जो इन्होंने अपनी संस्कृति को पहले आर्य संस्कृति कहा, उसके बाद ब्राह्मण संस्कृति कहा, उसके बाद इन्होंने अभी अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, इन्होंने नाम बदले, काम नहीं बदला, हमारे लोगों ने काम भी नहीं बदला, हमारे भी नाम इन्होंने बदल दिए। अगर इस तरह की जो सारी चीजें हो रही है, अगर आप मूल जड़ को पकड़ो, क्यों, क्योंकि ये एक प्रांत में करेगा दूसरे प्रांत में दूसरा घोटाला कराएगा, वो मणिपुर में करवाया ना, हमारे लोग है एससी के जो एससी में से जो बदल करके बन गए, वो मणिपुर में जो आग लगी हुई है ना, वो केरोसिन और माचिस के कहां से आई है, वो हमारे लोग है उसमें लड़वा रहा, देश के लोग कह रहे हैं कि इसके बारे में केंद्र की सरकार कुछ नहीं कर रही, देश के लोग कह रहे हैं, मणिपुर के लोग कह रहे हैं। तो हमको हमारे लोगों के साथ, हमारे लोगों के साथ में अगर अन्याय करते हैं, अन्याय का जो मूल कारण है वो ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण है, ब्राह्मणों के नियंत्रण में समाज व्यवस्था है, जिस देश की जैसी समाज व्यवस्था होती है ऐसी राज व्यवस्था होती है,
उन्होंने समाज व्यवस्था में अपने आप को टॉप में रखा है। किसी भी चीज का निर्माता है वो टॉप में रहता, नीचे नहीं रहता। आप लोगों ने अपनी व्यवस्था की तो देखो अपनी कुर्सियां लगा के बैठे, ये कार्यक्रम लगाया ना, उन्होंने व्यवस्था बनाई यहां पर हमारे लोगों को, शांति भी लोगों को कंट्रोल में लिया, हराया। तो जो हारा हुआ आदमी होता है वो क्या करता है, हाथ जोड़ता है, और जिसने हारा है वो क्या करता है, आदेश देता है, ये करो ऐसे करो, कमांड में ऐसे ही चलता है ना। जब 71 में पाकिस्तान हार गया था तो 90,000 से अधिक फौजियों ने हाथ ऊपर खड़े किए थे, बंदूक ऊपर खड़ी नहीं की थी। और जिसका आदेश किसका था, हमारी सेना वहां लड़ते लड़ते आगे गई थी और इंदिरा गांधी ने समझौता किया कि बोले वापस आ जाओ, तो जीता हुआ ऐसा वापस दे दिया था। तो कमांड किसकी चलती है, जीते हुए लोगों की। उन्होंने अपनी कमांड बनाई, यहां वर्ण व्यवस्था बनाई, वर्ण व्यवस्था में अपने आप को टॉप में रखा और बाकी लोग हमारे लोगों को उन्होंने वर्ण व्यवस्था में डाला है। अब उन्होंने जो लड़ाकू मार्शल लोग थे उनकी कैटेगरी की छत्री बना दिया, वैश्य बना दिया, और बहुसंख्यक लोग थे उनको शूद्र बना दिया, और हमको अछूत बना दिया। इन्हीं लोगों को हजारों सालों से शिक्षा से क्या सारे अधिकारों से वंचित कर दिया गया। 1950 में जो बाबा साहब ने हमें संविधान दिया उसके अधिकार मिले, उसके बाद हमारे लोगों में एजुकेशन आ रही है, पढ़ाई हो रही है। आप समाज को अगर मान लिया हजारों सालों से जंगलों में आप छोड़ दो तो क्या इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे, वो तो समाज के पास में शिक्षा कहां से आएगी। शिक्षा के अधिकार से वंचित करने के कारण समाज व्यवस्था में वो टॉप रहा तो दूसरी जितनी व्यवस्था आती उसमें वो टॉप में रहेगा। मान लो कंपनी आ गई यहां पर तो कंपनी वाला सबसे पहले किसके पास जाएगा, जो प्रभावशाली लोग होगा, जो आगे होगा उसके पास जाएगा ना। कैसा, आपने कभी सुना गरीब आदमी पास कंपनी वाला गया और सीधे कहा तेरे खेत में टावर लगाता हूं, कभी जाता है, नहीं जाता है। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि ये जो समाज में हमारी समस्या है इसका मूल जड़ ब्राह्मण ब्राह्मणवाद है, नहीं तो आप हजारों दुश्मन पैदा कर दोगे और ब्राह्मण खुश हो जाएगा, अच्छा है आपस में लड़ रहा, ओबीसी से लड़ो। वो मुसलमानों को टारगेट बनाते हैं लेकिन उसका मकसद दूसरा है, उसका मकसद यह है कि जब आप मुसलमानों हिंदू मुस्लिम ज्यादा करोगे तो भारत का बहुसंख्यक वर्ग है वो कहीं कहीं द्विध्रुवी व्यवस्था में जाएगा ही जाएगा, या तो उत्तरी ध्रुव में जाएगा दक्षिण ध्रुव में जाएगा, बीच में कहां से रहेगा, तो किधर जाएगा, या तो हिंदुइज्म की बात करोगे उधर चला जाएगा, तो दूसरा सेक्युलरिज्म चला जाएगा। ब्राह्मण दोनों ध्रुवों के ऊपर बैठा है उपग्रह लगा करके, दोनों पोलर बाइपोलर सिस्टम में वो दोनों जगह ब्राह्मण है, नियंत्रण उनके हाथ में। और हम लोग ऐसे काम करने वाले लोगों को ही ध्यान रखना है, समाज में ये चीज जाएगी तब समाज उसका विश्लेषण करेगा, अच्छा ये बात है। ये जो कोरोना फैला था ना, तो कोरोना फैलने की कारण ढूंढा ना लोगों ने, नहीं तो लोग अपनों को गले में लगा रहे थे, फिर बताया कि दूर रहो तो दूर रखा, मास्क लगाया। समझ में आ गया, समाज को भी समझ में आ रहा है। बाम सेवन ने बताया तो जो सिस्टम वन वे कंट्रोल में था उसमें से धीरे 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 उनका जनमत अब देख लो आप आ रहा है धरातल पे। तो साथियों बामसेब की कार्य प्रणाली जो विषय आधार जानकारी क्यों दे रहे हैं, दुश्मन ऐसे षड्यंत्र करता है, आम लोगों को समझ में नहीं आता, आम लोगों को थोड़ो हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों को भी समझ में नहीं आएगा षड्यंत्र। षड्यंत्रों को समझाने के लिए संगठन क्या करता है, विषय बनाता है और विषयों पर विश्लेषण करके फिर प्रचार प्रसार करने के लिए समाज में जाना पड़ता है ताकि मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी, नहीं तो भटका देगा वो हमारे लोगों को, भटका रहा हजारों सालों से। वो प्रकृति के नाम पे, ईश्वर के नाम पे हमारे लोगों को कहता है ईश्वर ने किया सब कुछ, करता खुद है। बताओ ग्रह किसने बनाया, उसने बनाया, शनि की दशा कौन देखता, वही देखता, समाधान कौन करता, वही करता। आपने कभी देखा उसने हमारे को राहु केतु में उलझाया और हमारा आदमी किसी मौलवी के पास गया बोला इसका समाधान करो, नहीं जाता, क्योंकि समस्या वही बनाता है समाधान भी वही करता है। तो हमारे लोगों को यह समझ में आ जाना चाहिए कि ब्राह्मणिकल सिस्टम है यही हमारे मूल निवासी बहुजन समाज को गुलाम बनाए हुए है। इसको समझने पर आप क्या करोगे, संविधान के दायरे में संगठित होने का जो साथ में कार्यक्रम चल रहा वो भी कर पाओगे, और संगठित समाज जब आपका बनेगा तो फिर आप समाज को लोकतांत्रिक जो प्रणाली है वहां पर शक्ति चाहिए, संगठित शक्ति चाहिए और नेतृत्व भी चाहिए।
आपने शक्ति निर्माण की और उसका उपयोग करना नहीं आया। तो अभी यहां पर देखो, गन में नाए हुए थे, पुलिस वर्दी में थे, उनके पास बंदूक थी और मेरे को दे दो और मैं उस बंदूक को चला ही नहीं सकता। वो शक्ति है, लेकिन नेतृत्व करने वाला आदि को चाहिए ना सुरक्षा करने के लिए, मेरे को दे दो। उनको ट्रेनिंग दी हुई है उसको कैसे चलाना, कब चलाना, सारा ध्यान है। हम लोग तो उसको डंडे की तरह चला सकते हैं, हमारे लिए डंडे में कोई फर्क नहीं है। हमारा आम आदमी प्रत्येक चीज को ऐसे ही काम में ले सकता, इसलिए कैडराइज हमारा जो संगठन है वो जानकारी दे रहा है। दूसरा विषय ये मैं संक्षेप में कहना चाह रहा हूं, एक एक विषय पे एक से डेढ़ घंटे का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वामन मेश्राम साहब का स्पीच है, आप लोगों को सुनने के लिए हमारे आजकल हमने सारा ऑनलाइन डाल रखा है। दूसरा विषय, भारत में सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के हल के लिए राष्ट्रीय स्तर का संगठन का निर्माण करके एक संगठित आंदोलन खड़ा करना ही एक उपाय है। ये जो सफाई कर्मचारी है ना, ये हमारा समाज है, ये मूल निवासी बहुजन समाज है। इनको हजारों सालों से उन्होंने कहा कि तुम ऋषि मुनि हो, तुम्हारे ऋषि मुनि के संतान हो, मगर कभी उन्होंने पलट करके नहीं पूछा, ऋषि मुनि तो लिखने वाले थे, उनके हाथ में पेन था, वो पेन कौन लेके चला गया, झाड़ू कौन पकड़ा के गया हमारे हाथ में। अगर हमारे ऋषि मुनि थे, पहला तो वो सवाल खड़ा करना चाहिए कि ऋषि और मुनि दोनों शब्द कहां से निकले। जब हमारे को तो तुमने पढ़ने का अधिकार नहीं दिया था, तो ऋषि और मुनि शब्द कैसे हमारे समाज में आ गए? क्योंकि वो ऐसे हमारे समाज को गुमराह करता है, पता ही नहीं पड़ता, नाम बदल दिए। सोशल मीडिया पे हमारे लोग भ्रमित हो जाते हैं, जातियों में ऐसी जातियां लिख दी गई है, आम आदमी पता ही नहीं हमारा भाई है नहीं है। गुजरात के अंदर 71 में लोग आए पाकिस्तान से रिफ्यूजी, उन लोगों ने क्या लगाया, गोद लगाया पीछे, चौहान परमार शेड्यूल कास्ट के लोग, 35 साल तक उनको रिजर्वेशन नहीं मिला। वहां के लोग जनरल के लोगों ने बदमाशन क्या क्या कोर्ट में कहा, अभी तो जनरल के लोग है, इनको रिजर्वेशन मत दो। वो बेचारे कोर्ट में लड़ते लड़ते कहा हम शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल कास्ट के, बोला तुम परमार लिख रहे हो ना, बोला ये तो हमारा गोत है, हमको क्या पता ऐसा लिखने से 35 साल तक हमको नौकरी नहीं मिलेगी, हम तो मेट वाला, हम तो शेड्यूल कास्ट के, हम तो चमार है। बोले तो ये लिखो नहीं कि तुम ये हो, तो नामों में भी है, हमारे लोगों को पता ही नहीं पड़ता। राजस्थान में हमारा एक कर्मचारी था, अभी 10 दिन की पहले घटना है, वो अपने पीछे उसने पहले मूल नाम वाल्मीकि लिखा था, नौकरी लगने के बाद में उसने कहा कि मेरा ये वाल्मीकि शब्द बदल करके मैं पंडित लगा रहा हूं। हमारे बीकानेर साइड में पंडित लिखते हैं हमारे जो भंगी भाई है, तो हमारे सोशल मीडिया पे ऐसी के लोगों को क्या लगा, देखो पंडित ने नौकरी लेकर के नाम भी बदल दिया और पंडित भी बन गया। हमने उस ग्रुप में लिखा ये हमारा ही भाई है, सरनेम उन्होंने बदलवाया, क्योंकि देखो नाम देने वाले भी वो, हमारी समस्या क्या है, सिर्फ जन्म देने वाले हम लोग, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। जन्म देने के बाद तुरंत तो हमारे परिवार का आदमी उनको बुलाता, नाम क्या दे, यही बात होती ना, तो नाम वो देता है तो काम भी वो ही देता है, हमको काम क्या करना, बोला सेवा करो। नाम देने से लेकर के लास्ट तक का काम उसने सॉफ्टवेयर बना रखा है, जीवन से लेकर मृत्यु तक उसने सॉफ्टवेयर बना रखा है। 16 नाम के संस्कार क्या है, उसका सॉफ्टवेयर है, और लास्ट में आदमी चला जाता तो भी कहता अंतिम संस्कार करने में आऊंगा, और चलता है साथ में, एक मिट्टी का बर्तन होता है उसमें कुछ आग लगाता है, धुएं लेके साथ में जाता, पानी का लोटा ले जाता, लास्ट में घूमता रहता है, सबको कहे आप चले जाओ मैं तुम्हारा कंट्रोल करके आता हूं लास्ट में। अगर ये सारी चीजें तार्किक रूप से समाज में समझ में नहीं आएगी, तो उसका नियंत्रण निर्देशन डायरेक्ट भी है, इनडायरेक्ट भी है। ये हमारी जो सफाई करने की जाती है, कितने ताकतवर है, वो 1-10 दिन अगर उनके घर की सफाई नहीं करे ना, तो आपको पता नहीं उनसे सहन नहीं होगा। हमारे लोग तो उसके अंदर गटर में घुस जाते हैं ना, तो भी कुछ नहीं होता, और उसको 5 मिनट गटर के पास में पकड़ के रखो तो बेहोश हो जाएगा, क्योंकि उसके फेफड़ों की क्षमता ही नहीं है सहन करने की। मगर हमारे लोग अभी शांति से काम ले रहे हैं, उनको समझ में आ गया तो वो एकदम कहेंगे अब तुम ही सफाई करो, 2-4 हजार से हम कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा 50-60 साल तुम करके देख लो, ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देख लो, क्योंकि तुम खुद ही कह रहे हो सब बराबर है, समान है। इसलिए तो ये इसका इनका अगर आप राष्ट्रीय संगठन हमारा नहीं होगा, तो राष्ट्रीय स्तर पर उसकी ताकत बनी हुई उसके सामने आप टक्कर कैसे दोगे? एक साधारण गली का आदमी अगर काम कर रहा है, एक राष्ट्रीय संगठन है,
तो हमारा आदमी सिर्फ मोहल्ले का संगठन बनाता है तो जिले के संगठन में दबा देता है, हमारा आदमी जिले का संगठन बनाता है वो तो स्टेट के संगठन में दब जाता है, हमारा आदमी क्षेत्रीय पार्टियां बनाता तो राष्ट्रीय पार्टियां दब जाता, फिर यूपी और एनडीए में जाना पड़ता है उसको, उसके पास कोई ज्यादा होता नहीं है। ये क्लियर बातें हैं, समझ में आ साथियों, अगर समझ में नहीं आएगा आपके हमारे साथ में धोखा कौन कर रहा है, धोखेबाज कौन है, वो आपको एक तो सॉफ्टवेयर समझना चाहिए, एक वायरस को समझना पड़ेगा। बीमारी का अगर वायरस का पता नहीं है तो डॉक्टर दवाई देता रहेगा। हमारा एक कार्यकर्ता था, उसको बहुत बुखार आता था, इतना तेज बुखार आता था, नौजवान आदमी हटाता था, उसका नाम राम सेवक राम यादव, उसके आगे भी राम पीछे भी राम, और उसको इतना तेज बुखार आता था, टेबलेट लेके थक गया, फिर डॉक्टर ने कहा इसकी पथरी है पथरी, उसके कारण बुखार आ रहा, बुखार अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बुखार नहीं है बीमारी, बुखार क्या है, तापमान का बढ़ना और घटना। जैसे हमारे साधारण आदमी को कारणों का पता नहीं है, हमारा आदमी कब संघर्ष करता है पता है, जब घटना घटित हो जाती, किसी का मर्डर हो जाए, एक्स वाई जेड हत्याकांड संघर्ष समिति है, होता है। अब मान लो वो घटना करता रहता, हमारा आदमी घटना घटने के बाद संगठन खड़ा करता रहता, ऐसे संगठनों से राष्ट्रीय परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे संगठनों से क्या होता है, आंदोलन करने वाले लोगों का जो उभार होता है वो धीरे धीरे महीना दो महीना टेंट लगाते उसके बाद में जूस पीट करके खड़ा होना पड़ता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो कोर्ट में जाएगा तो भी वकील उसको अच्छा नहीं मिलेगा, अपील उसको अच्छी नहीं मिलेगी, दलील उसको अच्छी नहीं मिलेगी, जज तो मिलते ही नहीं, हमारे जज साहब बैठे हैं, हमारे बहुत कम जज होते हैं, क्यों, हमारे लोगों को वहां पहुंचने से पहले ही सब जगह सही सिस्टम नहीं है, तो वकीलों की कोटे से भी कौन जाएगा, छोटी नौकरियां चलो हमारे ले रहे हैं तो आपको पता है हमारा तो मिनिस्टर भी बन जाए ना उसको घाटे का महकमा देते हैं, ठीक है ना, फिर वो दिखता मिनिस्टर है लेकिन उसका जो सिस्टम ऐसा होता वो मिनिस्टर बन के रह जाता, और फिर हमारे लोग और गालियां देते कि हमारा कुछ नहीं करता, तो समाज के लोग उसको और ज्यादा उससे उम्मीद करते हैं, वो अंदर ही अंदर ना तो कह पा रहा, गूंगे वाला गुड़ खाने के बाद हंस रहा, बोल पा नहीं रहा। तो साथियों ये जो राष्ट्रीय संगठन खड़े किए हुए ना, हमारा जो समाज इतना ताकतवर है, विदेशों में रहते हैं, मुझे पता हमारे जो भाई है और उनका नाम दे दिया वाल्मीकि, और वाल्मीकि नाम से उन लोगों का पता नहीं पड़ रहा है, और उन लोगों के साथ में भेदभाव करते तो हमारा जो वो समाज का हिस्सा है उसके साथ में समानता का व्यवहार नहीं हो रहा, और हमारे साथ में आपस में हमने छुआछूत और करवा रहा है। विदेशों में रहने वाले बड़े बड़े लोग हैं इस हमारे समाज से गए हुए, अरे यहां तो आपके हरियाणा पंजाब ज्यादा है हमें पता है, हमारे राजस्थान में नहीं है, वो अगर यहां आकर के थोड़ा भी अगर आंख उठा के थोड़ा भी करना शुरू कर दिया नहीं तो ये हमारा मूल निवासी बहुजन समाज बहुत ज्यादा हमारा संगठित होकर के समाज को आंदोलित कर सकता है। तो इस विषय पे मैं दो क्यों अभी मुझे संक्षेप में कहना है, बाहर प्लेट है तो हमारा ध्यान हट सकता है, दरवाजा क्योंकि खुल रहा है बार बार, मगर फिर भी थोड़ी देर के लिए आपको माफी चाहता हूं। दूसरा, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पुरानी पेंशन, ये अभी इन्होंने और बदमाशी करी, और ये सारा सिस्टम 91 से इन्होंने जो एलपीजी लागू किया तब से शुरू हुआ है, और 91 में कौन था, ये नहीं था, ध्यान रखना, मैं फिर बार बार आपको मुद्दे पे ला रहा हूं। हमारे यहां कहावत है, चाचा हटा ना वो बाप का भाई होता है, अंकल इज एक्चुअली ब्रदर ऑफ फादर। 91 में पीवी नरसिंह प्रधानमंत्री थे और ये मनमोहन सिंह जी है वो वित्त मंत्री थे, और उन्होंने एलपीजी लागू किया था, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, वो निजीकरण को अभी इन्होंने ज्यादा आगे बढ़ाया, इतना ही किया है। अगर हमारे लोगों का और मुसलमानों का क्या हाल हो गया है तो सच्चर कमीशन वो मनमोहन सिंह जी ने बनाया था, वो सचिव कमीशन 2006 की रिपोर्ट पढ़ लो, उसमें लिखा हुआ है मुसलमानों के हालत शेड्यूल कास्ट से भी बदतर कर दिए गए हैं। मैं ये दोनों बातें क्यों कह रहा हूं संक्षेप में, अगर समझ में आ जाए तो आप लोग तीसरी आजादी की चिंतन करोगे, मनन करोगे, कैसे होगा वो संगठन करेगा, मगर आप चिंतन ही वहां नहीं कर पाओगे तो फिर घूम फिर के गुस्सा आया तो एक ब्राह्मण तिलक लगा गया, गया दूसरा ब्राह्मण माला लेके आ जाएगा, तिलक वाले को छोड़कर माला वाले को पकड़ लगा, हमारा हाल तो वही रहेगा, हमारे हाल वही रहेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए समाज में आंदोलन करने वाले लोगों को, कौन अपना है कौन पराया है।
अगर मान लो पांच प्रकार की उसने दुकानें खोल रखी, हमारा बार बार उसी दुकान में जा रहा तो उसके क्या फर्क पड़ता, उसके कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो हमारा हमारे समाज के लोगों को ये विषयों के आधार पर जानकारी है। पेंशन स्कीम में क्या हो रहा है पता है, पहले आदमी रिटायर होता था तो उसको उसके बाद में उसकी जो नौकरी में जो लास्ट में तनख्वाह मिली उसकी आधी तनख्वाह उसको जब तक जीवित है तब तक मिलती थी हर महीने। तो घर वाले भी बढ़िया सेवा करते थे, बाहर वाले भी बुलाते थे, सेवा करते थे। आदमी पेंशन वाला है, अभी उसकी पेंशन बंद तो कोई नहीं बुलाता, बुला ये टेंशन वाला है, बुला के क्या करोगे? अभी इसकी घर की भी टेंशन और पेंशन की भी टेंशन। हमारे वहां राजस्थान में एक जज साहब रिटायर हो गए तो घर वालों ने जाकर के उनके मिसेज को कहा कि मैडम बधाई हो। तो बोला क्या हुआ? कि अब साहब है वो रिटायर हो गए, पहले आपको पूरा टाइम नहीं देते थे, अब आपको पूरा टाइम देंगे, आराम से घर पे रहेंगे। मैडम ने सर फोड़ा के कह रहे कर्म फूट गए, काय का बढ़िया हो गया, पहले हमारे को पूरी नौकरी देते थे और आधा माथा खाते थे, आज आधे नौकरी देंगे पूरा दिन माथा खाएंगे घर पे बैठे हुए, हमारे को क्या फायदा हुआ इसमें? तनख्वाह आधी देंगे और दिन भर हमारे घर पे पड़े रहेंगे। उनको उस वक्त समझ में आ गया था। और अब तो ये हुआ कि आधी तन जो पेंशन है वो भी बोले एक साथ ले लो। अगर किसी भी घर में हमारा जो पिछड़ा वर्ग है अगर 5, 10, 25, 50 लाख एक साथ आ जाए तो घर के रिश्तेदार छोड़ो, बच्चे छोड़ो, दूर के रिश्तेदार भी मिलने आते हैं। बोला अभी पैसा आया हुआ है तो 2-4 महीने में सारा माल इधर उधर हो जाता है, FD सब महीने भर में सारे उठा लेते, पहले कर देंगे फिर उठा लेंगे, पता ही नहीं पड़ेगा। और जब 2-4 महीने बाद में जब घुटनों में दर्द होता है, आंखों में नहीं दिखता है, कानों में सुनाई नहीं देता, तो उसके पास में महीने में आने वाली इनकम नहीं होती। हमारा आदमी वो भी परेशान होता है और उसके पास में धीरे धीरे जो इनकम सोर्स था वो खत्म हो जाता है और उसका बहुत नुकसान हो जाता है। हम वो वर्ग नहीं है कि हजारों सालों से हमारे लोगों को संगठित किया है, हम तो डेली मजदूरी करने वाले समाज से निकले हुए लोग हैं, मेहनत करके अभी आगे जा रहे हैं। ये पेंशन स्कीम से कई लोग बर्बाद हो गए, कईयों के पैसे इतने आ गए, बच्चों ने झगड़ करके बुजुर्ग लोगों से कोई क्या ले लिया, कोई गाड़ियां ले ली, सब सारा पैसा लग गया और बच्चे पढ़ने वाले थे पढ़ाई बंद कर दी, बेरोजगार हो गए, फिर नशे में चले गए, अब वो सारे घर वालों को तंग कर रहे हैं। ऐसा होता है? यहां तो नशे का तो मामला और भी ज्यादा बढ़ा दिया हमारे समाज को बर्बाद करने के लिए, मूल्यवान समाज को। तो और वो चीजें आप बताओ आती कहां से? अगर उसकी फैक्ट्री बंद हो जाए तो आएगी? अगर वहां से कोई चीजें आती कहां से? निर्माता कौन है? उसको कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट के पास पावर है, वो चाहे तो सब कुछ कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि उसके पास में बहुत बड़ी शक्ति है। क्यों? आप लोगों ने खटके दबा दबा करके शक्ति दी है, वो शक्ति आपके द्वारा दी हुई है, लेकिन उस शक्ति का उपयोग आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। अगर उसका डायरेक्ट उपयोग करने की शक्ति अगर चाहिए तो जागरूक लोगों को ये सारी समझ में आ जाए, संगठित शक्ति के बल पे आप काम कर सकते हो। अभी मैं इतना ही कहना चाहता हूं, बाकी जो दूसरा सत्र होगा उसमें मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि इस विषय के दूसरे जो विषय बहुत महत्वपूर्ण है और एक संगठन में अनुशासन का विषय है उसमें मैं पूरी बात करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप भोजन करने के बाद में एक मूल निवासी बहुजन समाज के आंदोलन में शरीक होंगे और सुनेंगे। धन्यवाद। जय मूल निवासी।